एक मशीन से 3000 कॉपी पर डे, 8 से 10 घंटे काम करोगे तो 3000 कॉपी निकल जाएगी। अच्छा जी, अगर एक कॉपी पे आप 1 रुपए भी कमाते हो तो पर डे 3000 रुपए आप कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और महीने का 90,000 रुपए, जो ये कभी सरकारी नौकरी भी आप करोगे तो 15 से 20 हजार इतना नहीं कमा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। A few inches later. आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं उमानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल, एकदम अलग वीडियो लाया हूँ इस बार आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरह तरह की मशीनरी का ऑप्शन हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं हर बार। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ ASV इंजीनियरिंग पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनरी मिल जाती है, जिन मशीनों को आप एक छोटे से 10x10 के कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। यार मतलब इस वैश्विक महामारी में आपको घर से बाहर निकल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लघु उद्योग का काम आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नोटबुक मेकिंग मशीन दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठ करके नोटबुक, किताबें, कॉपीज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं सारी डिटेल, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप एक छोटी से छोटी जानकारी आप मिस कर सकते हैं और जो मुनाफा आप लोगों का होने वाला है उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूं ASV इंजीनियरिंग पे और यहां पे मिलते हैं ओनर से। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या शुभ नाम है आपका? अजीत केसरी। ओके, तो सर आज की वीडियो बेसिकली किस टॉपिक पे होने वाली है, क्या हम दिखाने वाले हैं इसमें? सर आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर घर में यूज होने वाली चीज है, हर ऑफिस में यूज होने वाली चीज है, हर स्कूल्स में यूज होने वाली चीज, मतलब उसके बिना काम नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। ठीक बात है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज यूज नहीं होती। ओके, वो हम बात कर रहे हैं कॉपी की। ओके, कॉपी, नोटबुक, पैड्स, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना ये दुनिया अधूरा है। अधूरी, क्योंकि हर जगह ऑफिस वगैरह में, घर में, स्कूल में, हर जगह बेसिकली नोटबुक वगैरह का इस्तेमाल होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बनाने का आज हम तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे बनता है। बिल्कुल, आज इसी को बनाने का तरीका हम बताने वाले हैं और इसके लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, यानी कि नोटबुक मेकिंग मशीन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। तो सर इसको बेसिकली कौन ले सकता है, कौन इसको परचेज कर सकता है और कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? सर इसको परचेज कोई भी एक छोटे से छोटा परिवार भी कर सकता है, जिसमें अगर बिल्कुल लेडीज हो वो अच्छा, भी कर सकते हैं। अगर एक 18 साल प्लस का लड़का हो वो भी कर सकता है। ओके, एक 40 50 60 साल के भी कोई पर्सन है वो भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी इस... मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ट्रेंड बंदा ही चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी कंपनी हो वही इस चीज काम को स्टार्ट कर सकता है, इसको घर बैठे कोई भी शुरू कर सकता है। छोटे से छोटा अगर कमरा हो 10x10 का तो उससे भी ये काम शुरू किया जा सकता है। 10x10 के कमरे में हमारी मशीनें आ जाएंगी। एक छोटी सी मशीन जो सबसे पहला मॉडल है हमारा, 0 नंबर मॉडल, उसको आप लगा सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मिनिमम कितने से ये मशीन स्टार्ट होने वाली है? सर आप बिलीव नहीं करोगे, नोटबुक मेकिंग मशीन का जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की मशीनें स्टार्ट होती है जी। इसका स्टार्टिंग रेंज ओनली 1,45,000 रुपए से स्टार्ट है हमारे। अच्छा, पास 1,45 से स्टार्ट, 1,45,000 रुपए में हम 3 मशीनें देते हैं, कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन और डापरेस मशीन, जो 0 नंबर मॉडल है हमारा, ये स्टार्टिंग रेंज है। उसके ऊपर हमारे पास और 8 मॉडल्स हैं। अच्छा, आप जिस मॉडल्स को लेना चाहें उसके अनुसार अलग अलग चीजें हैं। ओके, हर का प्रोडक्शन अलग है, हर का रेट अलग है, हर का क्वालिटी अलग है। तो आप इसमें अगर एक नोटबुक बनानी है तो 3 मशीनें की उसमें जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 3 मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो सर जैसे मान लीजिए साइज वगैरह अलग होता है, जैसे किसी रजिस्टर का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो एक ही मशीन से काम हो जाता है या अलग अलग से होता है वो? एक ही मशीन से आप चाहें तो 1 इंची से लेके और 32 इंच तक कोई भी साइज का नोटबुक बना सकते हैं। अच्छा, कोई भी साइज का निकल जाएगा उसमें। ऐसे नॉर्मली 12 से 13 इंची मैक्सिमम साइज होता है नोटबुक बनाने का, लेकिन उससे ऊपर की साइज भी आप बना सकते हो। ओके, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सर के वेयर हाउस में और यहाँ पे सर कौन सी मशीन होने वाली है अपनी? हाँ, ये नोटबुक मशीन जो हम लोगों ने अभी बात करी नोटबुक मशीन के बारे में जी, उसमें जो सबसे पहला मशीन होता है वो है ये कटिंग मशीन। अच्छा जी, ये मैनुअल कटिंग भी है। हाँ। और अगर हम चाहें तो मोटर लगा सकते हैं, मोटर लगाने के बाद ये सेमी ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, तो अगर आपके घर पे बिजली है तो भी ये मशीन काम करेगा जी, अगर बिजली नहीं है फिर भी आप इसके इसका मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और मोटर के साथ में भी काम कर सकते हैं। ओके,
तो सर इसमें क्या बेसिकली कटिंग होती है पेपर्स की? हाँ, इसमें पेपर्स की कटिंग होती है। पेपर का जो है शेप दिया जाता है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब इसमें छोटी बुकलेट, बड़ी किताब, जैसा आप करना चाहो वैसे बन जाएगी। तो कि एक इंची से लेके एक पॉकेट डायरी भी बनानी है तो इसका यूज कर सकते हो। पॉकेट डायरी बन जाएगी। जो पैड यूज किया जाता है इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में, बुक्स वगैरह के दुकान पे, किराने दुकान पे, वो भी आप पैड बना सकते हो। अच्छा, कॉपी बना सकते हो जी। अगर फ्यूचर में आपको इसको और एक्सटेंड करना है तो आप एक प्रिंटिंग मशीन बैठा लीजिए जिससे आपको हैंडबिल, पोस्टर्स, बुक्स, ये सारी चीजें बन जाएंगी आपको एक ही मशीन से। अच्छा, एक ही मशीन से। हाँ, उसके बाद दूसरी मशीन जो होती है वो है स्टिचिंग मशीन। अच्छा। हाँ, तो स्टिचिंग मशीन भी हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज की होती है। हाँ। ये मैनुअल स्टिचिंग मशीन है जिसको हम लोग ऐसे फुट से भी ऑपरेट कर सकते हैं और हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी जी। और ये जो है ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक स्टिचिंग है। इसमें देखिए पीछे में मोटर लगी होती है जैसा कि ये, और मोटर भी हम लोग करम्पटन की लगा के देते हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल ब्रांडेड मोटर लगा के देते हैं। तो आप ये स्टिचिंग ऑटोमेटिक स्टिचिंग हो गई, ये मैनुअल हो गई। ठीक है, अगर ये मशीन लेते हैं इसके साथ में तो लगभग 3000 के आसपास पर डे का प्रोडक्शन होगा। हाँ। और ये मशीन लेते हैं तो लगभग 6000 के आसपास प्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, यानी प्रोडक्शन सीधे डबल हो जाता है। डबल हो जाएगा जी। हाँ जी। मान लीजिए कि गांव घर में लेते हैं जहाँ पे बिजली नहीं रहती है जी। तो विदाउट बिजली, बिजली के यानी विदाउट इलेक्ट्रिक भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये मशीन लेके। ठीक है, मतलब वो तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों दे रखा है। इसमें स्टिचिंग में मैनुअल का ऑप्शन ये दे रखा हुआ। हाँ जी हाँ जी। एक मशीन वो हो गई, एक मशीन ये हो गई, और तीसरी मशीन जो है ये है डाप प्रेस। अच्छा। ये कॉपी को मोड़ने का काम करता है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, ये मोड़ने का काम करेगा। एक बार में 50 कॉपी, 100 कॉपी आप एक बार में डालिए इसके अंदर में जी। और एक बार में ये पूरे कॉपी ऐसे करके चलाते हुए इसे हम मोड़ लेंगे। अच्छा, ये मोड़ सकते हैं। हाँ जी। ओके। ये फोल्डिंग का काम करता है। तो मतलब एक किताब बनाने में तीन मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मिनिमम तीन मशीनें होती हैं। जी। अब ये ऑप्शनल है। हाँ। इसके जगह पे हम एज स्क्वायरिंग भी ले सकते हैं। अच्छा। एज स्क्वायरिंग मशीन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, उस साइड में है। ये मशीन दे रखी है। हाँ। ये वाली। हाँ हाँ वाली। ठीक है, वो एज स्क्वायरिंग है। ओके। इस तरह से आप वर्किंग देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली ये नोटबुक बनाया जाता है इन मशीनों से। ये पूरा आप लोगों को प्रोसेस दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो सर ये तो मशीनरी का हमने फीचर बता दिया कि हाँ जी, एक दिन में हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल लेना चाहे तो वो कहाँ से लेगा? सर हमारे पास जो है पूरी की पूरी रॉ मटेरियल उपलब्ध होती है। हम उसके लिए एग्रीमेंट भी करने के लिए रेडी रहते हैं कि लाइफ टाइम हम आपको वो रॉ मटेरियल दे सकते हैं। ओके। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी दे सकते हैं। अदरवाइज आप जहां भी मशीन ले जाते हैं वहां पे हम लोकल डीलर भी आपको दे देते हैं जहां से आप रॉ मटेरियल खरीद के और अपने यहां से ही स्टार्ट करके। मतलब अगर मैं बात करूं दिल्ली NCR में कोई है तो वो रॉ मटेरियल आपसे ले सकता है, और अगर कोई बाहर का है तो वो लोकल कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला है ये स्टिचिंग वायर। अच्छा। जिसका यूज किया जाता है पिन के लिए, पंच मारने के लिए। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉपी पे पिन मारा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा रॉ मटेरियल है जो मेन, वो है पेपर। पेपर जिसमें अलग अलग क्वालिटी के पेपर होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स के भी होते हैं, हर साइज के होते हैं, हर डिजाइन के होते हैं, क्वालिटी वाइज इनका रेट अलग होता है। ये पेपर जैसे ये लाइनिंग है ये बन करके आता है ऑलरेडी? दो तरह का होता है, एक सादे पेपर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अच्छा। अगर सादा पेपर आप लेते हो तो उसके लिए फिर रूल्ड करने के लिए अलग मशीन लेनी होगी। अच्छा अच्छा। जो आपको 4-5 लाख का अलग से लेना होगा, तो वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। सादे पेपर और रूल्ड पेपर में ओनली 2 रुपए का डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आपको ये 30 रुपए केजी मिल रहा है तो ये रूल्ड पेपर आपको 32 रुपए केजी मिलेगा। ठीक है सर जी। और रॉ मटेरियल का स्टार्टिंग रेंज जो है 30 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच पे आएगा पर केजी। वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। हाँ। और क्वांटिटी के ऊपर। मतलब 30 रुपए पर केजी जो बता रहे हैं ये पेपर का वेट होता है। हाँ, मिनिमम पेपर का रेट है और मैक्सिमम 60 रुपए तक जाएगा आपका। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई 1 केजी पन्ना खरीदता है। हाँ, हाँ। तो उससे वो कितनी कॉपी बन सकती है और कितना वो पैसा कमा सकता है उससे? अगर 1 केजी पेपर में बात किया जाए तो पेपर और कवर लेकर सारा कुछ लेकर 1 केजी में लगभग 14 कॉपी बन जाती है जो 10 रुपए की मार्केट में सेल होती है। अच्छा। जो रिटेल प्राइस 10 रुपए है, यानी कि उसको बनाने का खर्चा मैक्सिमम जो आता है 4 रुपए के समथिंग में आता है। अच्छा। तभी मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए पर कॉपी आप आराम से कमा सकते हैं। ओके। जी हाँ जी। ये पेपर की बात हो गई, उसके अलावा कवर होता है। ठीक है। आपने बहुत सारे कवर देखे हैं जिसमें बहुत सारे अपने ब्रांड होते हैं, तो
अगर जो भी क्लाइंट या जो भी हमारे व्यूवर्स है जी, जो भी मशीनें हमसे लेंगे तो वो चाहे तो हमारे से अपना ब्रांड बना के भी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे स्कूल्स का भी ऑर्डर आता है तो वो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारा फोटो डाल दीजिए जी और हमारा स्कूल का नाम लिख दीजिए कॉपी पे, तो वो भी चीजें हम करके दे सकते हैं। एज ए डिमांड भी हम आपको कवर बना के दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लोकल में भी कहीं भी आप सेट प्रिंटिंग प्रेस के पास जाके और ये कवर प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब कवर भी आप प्रोवाइड करा देंगे, पन्ना भी आप प्रोवाइड करा देंगे। और ये सारे जितने भी रॉ मटेरियल है सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपको सिर्फ मशीन लेकर के उसको नोटबुक बना करके मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए कोई 1.5 लाख रुपए लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो महीने के सर वो कितने रुपए कमा सकता है उससे? छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जी, अगर हमारे यहाँ से सबसे जो लो क्वालिटी का मतलब लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, सबसे कम वाला इन्वेस्टमेंट जो 1,45,000 की बताई हमने, उसमें भी आप एक मशीन से 3,000 कॉपी पर डे 8 से 10 घंटे काम करोगे तो 3,000 कॉपी निकल जाएगी। अच्छा जी, अगर एक कॉपी पे आप 1 रुपए भी कमाते हो तो पर डे 3,000 रुपए आप कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और महीने का 90,000 रुपए जो ये कभी सरकारी नौकरी भी आप करोगे तो 15 से 20 हजार। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो 90,000 रुपए ये मंथली मिनिमम इनकम हो जाएगा। तो काफी अच्छा ये बेसिकली बिजनेस आइडिया होने वाला है। हाँ जी, आप घर बैठे इस काम को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस वैश्विक महामारी में सब लोगों को कहा गया कि आप घर बैठिए, तो आप घर बैठ करके अपना ये काम शुरू करिए लघु उद्योग का। तो सर अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है आपसे? लेने के लिए सर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है या जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं उन पे डायरेक्ट कॉल करें। हमारे कंपनी में ASB इंजीनियरिंग के जो भी हमारी मैम होंगी वो फोन उठाएंगी और सारा जानकारी दे देंगी। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस में आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, अगर कोई आना चाहता है तो क्या लोकेशन पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए? हमारा जो लोकेशन है वो नागलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन है। अच्छा। वहाँ से बस लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर की दूरी पे हमारा ऑफिस है। ओके, मेन रोड से, मेन रोड पे ही मान के चलो आप डायरेक्टली हमारे लोकेशन पे पहुंच सकते हो या गूगल में ASB इंजीनियरिंग। अगर कोई आना चाहता है मशीन दे करके लेना चाहता है तो भी आप सर के ऑफिस में विजिट करके ले सकते हैं मशीन को। और अगर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है तो आप घर भिजवा देते हैं सर? हाँ बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया भी हम डिलीवरी देते हैं और इंडिया के बाहर भी हम डिलीवरी। अच्छा, इंडिया के बाहर भी डिलीवरी दे रखी है सर। तो कोई भी वर्ल्ड वाइड कहीं से मंगवाना चाहे तो आपसे सर से कॉन्टेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, और अपना काम घर बैठे आप शुरू करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं यार। हाँ जी। तो दोस्तों ये आप लोगों को कुछ नोटबुक वाली मशीन हमने आप लोगों को दिखाई, कितनी आसानी से आप घर बैठे नोटबुक, किताबें, कॉपी, जो भी आप लोगों को बनाना हो आप इजीली बना करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं यार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक दबा देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पर नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रह करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।